हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाटा स्किंग सुशांत चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के न्यू वीडियो में बताने वाला हूँ इस टाइप का अमेजिंग और ऑसम थ्री टाटा वीडियो एडिटिंग, जो आप अपने मोबाइल में कैसे एडिट कर सकती हो। तो फ्रेंड, आप भी इस तरह का टाटा एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। ओके गाइस, कॉपीराइट के वजह से मैंने वीडियो को म्यूट कर दिया। आप भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से पहले से वीडियो को पोस्ट कर दिया है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे मेरे वीडियो के नीचे चले आना है, यहाँ आपको मोर पर चले आना है। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम को जाकर आपको फॉलो कर लेना है, और टेलीग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम में जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एलर्ट मोशन फुल प्रोजेक्ट लिंक होगा, ऐसे आपको दो लिंक मिल जाएगा रिलकर और फुल प्रोजेक्ट का। पहले में आपको टच करना है, ऐसा थोड़ा वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको इनपुट करने के लिए आएगा। ओके गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, इनपुट कर लेना है। ऐसे करके आपको दोनों जो लिंक दिए हैं प्रेजेंट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वो वाला लिंक आपको टच कर लेना है, दो लिंक आपको इनपुट कर लेना है। ओके, तो चलो फिर से यूट्यूब पर चलते हैं। ऐसे आपको दोनों लिंक को आपको टच कर लेना है, रिलिकल वाला। ओके ओके गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, इनपुट कर लेना है। ऐसे आपको इनपुट कर लेना दोनों लिंक, जो आपको इनपुट करने के बाद आपको आगे सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, ऐसा आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल कर लेना है। यहाँ से आपको कॉपी जो 15 लेयर कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, और बैक आ जाएंगे यहाँ से आपको प्रोजेक्ट में जाना है, और न्यू प्रोजेक्ट में जाकर आपको यहाँ से आपको पेस्ट कर लेना है। ओके गाइस, पेस्ट करने के बाद आपको एक कैमरा वाला ऑप्शन आप ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो सब कुछ आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना फोटो सारे लगा लेना है, तीन फोटो यहाँ पर लगाना है। तो चलो, आप अपना फोटो लगा सकते हो यहाँ पर, नहीं तो और भी कुछ एडजस्ट कर आप डाल सकते हो यूट्यूब पर, या टाटस भी डाल सकते हो। ओके, तो चलो फोटो चेंज कर दिखा देते हैं। ओके गाइस, ये वाला पहला फोटो जो है इसको हम टच करेंगे, कलरफुल में जाएंगे। उसके बाद पीएनजी में टच करके आपको कोई भी यहाँ से आप फोटो चेंज कर सकते हो। तो चलो, ये वाला फोटो हम ऐड कर लेंगे, देखो लग गया। उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा कुछ एडजस्ट करना, तो एडिट से पूरा कर आपको एडजस्ट कर लेना। देखो अच्छा हो गया, ये वाला ज़्यादा चौड़ा हो गया था, ये देखो चौड़ा हो गया था, इसको सही से आपको एडजस्ट कर लेना है। देखो लग गया। ऐसे करके आपको सारे फोटो जितना भी यहाँ पर है सारे फोटो ऐसे चेंज कर देना है। और भी एक तरीका है चेंज करने का, तो बताने वाला हूँ। इस देखो ऐड करना है, पहले से आपको प्लस में स्टार्टिंग में आ जाना है। उसके बाद आपको प्लस में जाना है, मीडिया में जाना है। यहाँ से आपको कोई भी फोटो हम ऐड कर लेंगे, ये वाला फोटो हम डेमो दिखाने के लिए ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है, ऐसे लास्ट चले जाना है, 21 सेकंड आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ तक लगा लेना है, सारे फोटो आपको जो है लास्ट तक है 21 सेकंड आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसे नीचे ले जाना है उसको, और भी नीचे लेंगे। ओके, यहाँ रखेंगे, ऊपर वाला जो फोटो हम चेंज करेंगे, ये वाला फोटो हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद आपको ये वाला टच करना है, मोबाइल ट्रांसफर, अगर आपको सॉरी यहाँ टच करके मोबाइल ट्रांसफर टच करके जेड ऑप्शन टच करके आपको ऐसे ऊपर में स्लाइस कर लेना है, फोटो आ जाएगा। देखो आ गया है, थोड़ा नीचे चला गया है। ओके, नीचे नहीं पीछे चला गया है। ओके, देखो ऊपर में आएंगे लाएंगे उसको। ओके, थोड़ा पीछे रखेंगे उसको, ज़्यादा नहीं थोड़ा पीछे, ऐसे स्लो में करना है आपको। ओके, देखो थोड़ा पीछे हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा जूम कर लेना है, इस साइज का आप कर लेना है उसका फोटो भी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना, पहले वाला फोटो जो था आपको ऐसे डिलीट कर लेना है। ओके, पहले वाला फोटो जो है आपको डिलीट कर लेना, देखो लग गया। ऐसे करके आपको सारे फोटो चेंज कर लेना, ये वाला फोटो ऐसे चेंज करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो कुछ आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही अच्छा से लग जाएगा। और वो कलरफुल में जाए चेंज करोगे तो थोड़ा कौन सा साइज कौन सा होगा, इसलिए थोड़ा मिस्टेक होता है। ऐसे चेंज करो, बहुत ही अच्छा होगा, देखो इतना अच्छा हुआ। उसके बाद आपको क्या करना, सारे फोटो ऐसे चेंज करके यहाँ जाकर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ओके, सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।